कल ना मेरा एक दोस्त मिला था, उसने मुझसे पूछा, कहता यार तुझे ना ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है ये सब करने की, ये जो तू कर रहा है। मैं जब 12-13 साल का था ना, तब इस सब की शुरुआत हुई थी। मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी और वो कहानी मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैं रोज़ सुनता था और रोज़ रोता था उसको सुन करके। दादी कहती थी अब मैं नहीं सुनाऊंगी, तू रोता है। मैं कहता नहीं 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 सुनाओ सुनाओ सुनाओ, बहुत अच्छी कहानी है सुनाओ। वो कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो बहुत खुश रहता था अपने परिवार के साथ, यहाँ पे वहाँ पे बहुत अच्छा मज़े में। उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आई जब उसकी लाइफ में, जब उसके अंदर लालच आ गया और उस लालच की वजह से उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, पूरी दुनिया के साथ, सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचने लग गया और धीरे 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 सबसे अलग हो गया, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों से भी लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तो जब उसकी लाइफ के कुछ आखिरी सेकेंड्स बचे हुए थे ना, जब वो जाने ही वाला था इस दुनिया से, तो उसकी आँख से आंसू निकले जा रहे थे, वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, और आखिरी वर्ड्स जो उसके मुंह से बाहर आए वो थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो चला गया इस दुनिया से ये बोलकर। जब मैं वो कहानी सुनता था अपनी दादी की, तो मेरे अंदर कुछ होता था, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई जब मेरे वो लास्ट मोमेंट होगा लाइफ का तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा अपने सब लोगों को। उस टाइम मुझे नहीं समझ आया, आज समझ आता है। जब मेरी लाइफ के वो आखिरी सेकंड्स होंगे ना, आंसू निकल रहे होंगे, रो रहा होऊंगा, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, और रोते रोते मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस हंस रहा होऊंगा, और मन में ये चल रहा होगा यार मज़ा आ गया, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। ये है जिंदगी, ये जिया मैं, ये चल रहा होगा मेरे अंदर, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, बस अंदर से सोच रहा होगा, कोई गिला शिकवाने। अब इस सेमिनार का फाइनल मोमेंट, मैंने सेमिनार के शुरू में आपको कहा था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और ना मैं कभी अपने फायदे की कोई बात करने वाला। मैंने झूठ कहा था, कुछ तो मांगूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ तो मांगने वाला हूँ। तो मैं आप सबसे अपने पूरे दिल से कुछ मांगने वाला हूँ, हो सके तो देना, नहीं हो सके तो मत देना। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे ये मांगता हूँ कि आज ना आप सबके अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ बनने की भूख, जो आपको यहाँ तक लेकर के आई है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आपके पास उससे बहुत ज़्यादा होगा जितनी आपकी ज़रूरत है। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना, तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना यार, थोड़ी सी मदद कर देना। आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी लाइफ चेंजिंग सेमिनार था, ये एक चीज़ ख़त्म हो रही है लेकिन एक दूसरी चीज़ की शुरुआत हो रही है। मैं अपने उन सारे एक्सपीरियंसेस को एक एक करके वीडियो में रिकॉर्ड करता जाऊँगा। आज मैंने आपको बोला आसान है, तो आसान क्यों है? अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में मैंने अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसान कैसे बनाया, वो मैं आपको बताऊँगा उन वीडियोज़ में। खोल करके सामने रख दूंगा, दिल को, दिमाग को, सबको खोल करके सामने रख दूंगा, जिससे अगर किसी को कुछ चाहिए होगा ना, कोई अगर कुछ करना चाहता होगा, वो सिर्फ उस जगह पे जाएगा और फ्री में जो चाहेगा वो कर सकेगा। और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने, लाखों लोग, आप ही में से निकल करके लाखों लोग आएंगे मेरे जैसे। मेरी जगह मैं नहीं होऊंगा यहां पर, कोई और होगा, कोई और पागल होगा,
जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा और ये दुनिया बदलेगी, ये दुनिया बदलेगी। आज मैं कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अगर आज भगवान भी मेरे पास आए ना और कहे कि चल मेरे साथ, तो मैं कहूँगा चलो यार, चलो कहाँ चलना है, हो गया जो करना था कर दिया। आज लाखों लोगों ने मेरा ये सेमिनार अटेंड किया है। अगर मैं ऐसे ही करता रहता तो कुछ लाखों लोग और कर लेते, लेकिन अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर करोड़ों लोग देखने वाले हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके दिल से आवाज आएगी, यहां से चीख निकलेगी कि मुझे शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जिनको मेरी जरूरत है। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन सिर्फ इंडिया में नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, आसान है, आसान है। बदलेगी ये दुनिया, बदलेगी।